नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान में चुनाव का अखाड़ा जो है वो पूरी तरह से सजा हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर हर छोटा बड़ा नेता अपना पूरा दमखम लगाए हैं। बुधवार यानी 22 नवंबर को सारे बड़े नेता भाजपा और कांग्रेस के राजस्थान में थे और उन्होंने बहुत कुछ कहा। बस उन्हीं के बारे में चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। उन्होंने जेब कतरा शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए भाई और बहनों, जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? अब राजस्थान में धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नदबई और गंगापुर सिटी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर खूब निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जेब कतरा अकेला नहीं आता, तीन लोग आते हैं। सबसे पहले एक बंदा सामने से आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है, उल्टी सीधी बात बोल देगा। दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है। और तीसरा बंदा देखता है कि जिसकी जेब कटी, अगर उसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। भीड़ को पता लग गया तो उसको धमकाने का भी काम करता है। सबसे पहले तीन लोग आते हैं, अकेला नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है, एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है ना, उल्टी सीधी बात बोल देगा। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है, सही। और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। ऐसे जेब काटी जाती है। ध्यान उधर उधर इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। नरेंद्र मोदी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट ऑन करो, हिंदू मुस्लिम, नोटबंदी, मुझे फांसी लगा दो। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अडानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। राहुल ने कहा कि वो भारत माता के नारे लगाते हैं और करते हैं अडानी जी की जय, जबकि मैं भारत माता की जय करता हूं। मेरे लिए भारत माता हिंदुस्तान के गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग और छोटे दुकानदार हैं। अब मोदी जी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी, कांग्रेस पार्टी की गारंटी का मतलब आपकी गारंटी, भारत माता की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सागवाड़ा और कोटड़ी की चुनावी सभा में गांधी परिवार को राजेश और सचिन पायलट का नाम लेकर घेरा। अशोक गहलोत अब कभी सीएम नहीं बनेंगे, यह भविष्यवाणी कर कुछ संकेत भी दे गए। मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो नहीं लगाने की बात कहकर कांग्रेस को दलितों का खिलाफ बताया। मोदी ने बीएपी को भी कांग्रेस के साथ ही यहां कहा कि अगर किसी को भी वोट दिया वो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और झाड़ोल में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित किया। राजस्थान में पेपर लीक के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार आए तो मैं देखना चाहता हूं कि किसने माँ का दूध पिया है जो पेपर लीक जैसी घटनाएं करे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इतने हालात खराब है कि सरकार की एक महिला विधायक स्वयं को असुरक्षित मानती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के आमजन कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। वे बोले कि मैं कहना चाहता हूं कि आप भाजपा की सरकार बनाएं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई मां बेटी की तरफ नजर उठाकर देखेगा तो उसकी खाट खड़ी कर दी जाएगी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा कि पिता प्रधानमंत्री थे, मैं उनके साथ कभी कभी सभाओं में जाती थी, काम नहीं होने पर महिलाएं उन्हें डांट भी देती थी और वो सिर झुकाए सुन लेते थे। आज भाजपा के नेताओं को आपने छूट दे दी है, वे धर्म की बातें करते हैं, आप आंख मूंद कर वोट दे देते हो। प्रियंका कहती हैं कि प्रधानमंत्री ने मंच से एक भविष्यवाणी की थी, आज मैं भी करती हूं, अगर इस तरह मोदी सरकार देश की संपत्तियां उद्योगपतियों को सौंपते रहे तो एक दिन लोगों का गुस्सा संभल नहीं पाएगा। मोदी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं ये नहीं चलेगा। उनको समझना पड़ेगा कि एक दो लोगों के हाथों में देश चलाने के लिए सौंप रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा।